सब्सक्राइब करें QCL को बेहतरीन और निश्चित लाभ के लिए और प्रेस कर लें बेल आइकन को भी साथ ही, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। वेलकम टू QCL। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आज है 2nd of November और आज हम फिर से करंट अफेयर के जितने संभावित क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। वीडियोस को आप सब लोग वॉच नहीं कर रहे हैं, याद रखिए, अगर आप वॉच नहीं करेंगे तो ये आप अपने साथ भी अन्याय कर रहे हैं और मुझे भी हर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा कंटेंट लाती हूँ। प्लीज़ आप उसको वॉच करें, वॉच करते करते लाइक और उसके बाद शेयर, जहाँ भी आप व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, वेयर यू आर, देन यू हैव टू शेयर, ओके। और उसके बाद आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, कोई काउंसलिंग चाहते हैं, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, वीडियो कैसा लगा, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं, ठीक है? और परेशान मत हों, बस आप पढ़ते जाएं, देखिए आपके एग्ज़ाम कैसे है ना, आपका क्वालिफाई होगा, आप खुद देखेंगे इस चीज़ को। चलिए क्वेश्चन नंबर वन, हाल ही में अभी ये ICC रैंकिंग में टॉप पर कौन रहा है? ICC रैंकिंग अभी जारी हुई है दोबारा से 2019 की, और ICC की रैंकिंग जो अभी जारी हुई है उसमें टॉप पर कौन है? टॉप पर है बेल्जियम। दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे है आपका ये, दूसरे नंबर पे फ्रांस और तीसरे नंबर पे ब्राज़ील, यानी बेल्जियम, फ्रांस, ब्राज़ील। अब ये है कि आपकी जो भारत की रैंक है, ICC रैंक जो जारी हुई है, भारत अपने देश का रैंक क्या है? तो भाई ये तो बेल्जियम, फ्रांस, ब्राज़ील की बात हो गई टॉप थ्रीज की, लेकिन भारत का अपने इंडिया का रैंक क्या है? तो अपने इंडिया का रैंक है 106, पहले 104 पे था। आपसे पहले जो रैंकिंग आई थी ICC की, तो उसमें क्या बताया था मैंने आपको, कितने नंबर पे था? 104 पे। लेकिन अभी हो गया है क्या रैंक में? 106 नंबर पे। अच्छा, ICC का जो ये 1904 में इसकी स्थापना हुई थी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ज़ूरिक। कहाँ है? ज़ूरिक। और ज़ूरिक कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में, ठीक है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2nd नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में अभी किसको ओलंपिक 2020 जो अभी टोक्यो में होने वाला है, तो ओलंपिक 2020 के लिए एशिया ब्लॉक बॉक्सर का राजदूत बनाया है? यानी दोबारा क्वेश्चन सुन लीजिए, क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, कि किसको अभी 2020 में जो ओलंपिक होने हैं उसमें एशिया ब्लॉक बॉक्सर का राजदूत बनाया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो किसको बनाया है? ये है मैरी कॉम। जी हाँ, अभी 2020 में होने वाले हैं टोक्यो में ओलंपिक। टोक्यो कहाँ है? जापान में। जापान की कैपिटल टोक्यो, करेंसी येन, शिंजो अभी प्राइम मिनिस्टर, और पार्लियामेंट का नाम है डाइट। क्या है? डाइट। अब जापान में एक जगह है टोक्यो, वहाँ होने वाले हैं 2020 में ओलंपिक, और ये ओलंपिक कौन से ओलंपिक होंगे? समर ओलंपिक। कौन से? समर ओलंपिक, ठीक है। अभी विंटर ओलंपिक हुआ था ना 2018 में, ठीक। अब देखिए, तो क्या मैंने आपको बताया था कि 2-2 साल का गैप होता है हर ओलंपिक में, और विंटर में 4 का और समर में 4 का, ये तो बताया था। तो अब इसके साथ साथ ये है कि ये जो एशिया ब्लॉक बॉक्सर की जो ओलंपिक्स में एशिया ब्लॉक होगा बॉक्सर की, ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मैरी कॉम। ये आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी सूक्ष्म खाद्य केंद्र भारत का पहला, यानी अपने देश भारत का पहला सूक्ष्म खाद्य केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये है सूक्ष्म खाद्य केंद्र, ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये जी आ रहा है तमिलनाडु में। जी हाँ, ये भारत का, डियर दोस्तों, ये पहला ऐसा सेंटर बनाया जा रहा है जहाँ केमिकल के थ्रू कचरे से खाद तैयार किया जाएगा। क्या मतलब? थ्रू ऑफ केमिकल जितना भी वेस्टेज होता है उसका खाद, फर्टिलाइज़र बनाया जाएगा। ये सूक्ष्म खाद्य केंद्र, यानी
यानी कि बोलेंगे तो ये समझ लीजिए केमिकल फर्टिलाइज़र बनाने के लिए कचरे से पहला सेंटर बनाया जा रहा है तमिलनाडु में। अब बात तमिलनाडु की है, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई, तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर एडापड्डी के पलानी स्वामी, तमिलनाडु के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अभी हाल ही में आयुर्वेद पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आयुर्वेद पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है कहाँ? केरला के कोच्चि में। अब ये आयुर्वेद पे आई थिंक ये पांचवा है। ठीक है, तो ये आयुर्वेद पर जो इस साल हुआ है, याद रखिएगा 2019 में, ये कौन सा कहाँ हुआ है? केरला के कोच्चि में। अब ये आयुर्वेद का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यानी जो है ये मतलब इसका उद्घाटन हुआ है केरला में, ये केरला के कोच्चि में। तो ये साल 2019 का है और मेरे ख्याल से ये पांचवा है, मुझे जहाँ तक कुछ याद आ रहा है ये पांचवा है। तो मतलब मैंने पढ़ा तो नहीं है कि ये पांचवा है ये, लेकिन मैं श्योर हूँ उस बात में कि पांचवा ही आयुर्वेद सम्मेलन है, मुझे जहाँ तक अपनी नॉलेज के तहत याद पड़ता है। तो ये जो है ये इसका जो आयोजन है ये कौन कर रहा है? आयुर्वेद सम्मेलन का तो ये कर रहा है इस बार, कौन कर रहा है? इसका नाम है CII की तरफ से आयोजित हो रहा है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज CII की तरफ से एक अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है केरला के कोच्चि में। और मेरे ख्याल से ये पांचवा है, अब मैं एक बार पढ़ लूँगी कि ये पांचवा है या नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है पांचवा ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की एक बैठक कहाँ होगा? तो ये कहाँ होगा कुछ पता है? ये होगा नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। और इसमें जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल और अपने प्रधानमंत्री मोदी जी पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हाल ही में किस देश ने अभी एक इंटर बैलिस्टिक मिसाइल किस देश ने अभी जारी, मतलब दोबारा से सुन लीजिए, किस देश ने अभी वाइट सी में इंटर बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? कहाँ? वाइट सी में। जी हाँ, वाइट सी, सफ़ेद सागर में रशिया ने अपनी एक बुलावा इंटर बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, बुलावा इंटर गवर्नमेंटल याद आता है वो क्लाइमेट वाला तो एक बुलावा इंटर बैलिस्टिक मिसाइल का जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया है रशिया ने कहाँ वाइट सी में रशिया की कैपिटल रशिया की कैपिटल है जी, कहाँ है रशिया की कैपिटल? तो ये रशिया की कैपिटल क्या है? तो ये है मॉस्को। करेंसी रूबल। और कौन है? दमित्री मेदवेदेव हैं प्रधानमंत्री और व्लादिमीर पुतिन हैं कौन? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसियान का 65वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में। जी हाँ, बैंकॉक में इस बार फ्रेंड्स आसियान का 65वीं बैठक का आयोजन किया जाएगा। आसियान बहुत इंपॉर्टेंट है। आसियान की फुल फॉर्म ऑफ द आसियान
तो ये है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 1967 में। कौन कब हुई? इन 1967 में आसियान की। और आसियान का हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया। कहाँ? जकार्ता इंडोनेशिया। और एक बात और बताई थी, बोर्नियो आइलैंड में अब इंडोनेशिया की राजधानी शिफ्ट हो गई है और वहाँ के जोको विडोडो दोबारा प्रधानमंत्री बन गए हैं। और आसियान के सेक्रेटरी जनरल कौन है? आसियान के सेक्रेटरी जनरल हैं कौन? लिम जॉक हुई। लिम जॉक हुई आसियान के सेक्रेटरी जनरल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अभी हाल ही में गीतांजलि का निधन हो गया, ये कौन थी? गीतांजलि का निधन हो गया, ये कौन थी? तो यह थी तेलुगु की सुपर प्रसिद्ध प्रतिष्ठित स्टार, एक फेमस सुपरस्टार थी, यानी एक्ट्रेस थी, एक अभिनेत्री थी, फेमस प्रतिष्ठित अभिनेत्री थी। कौन? गीतांजलि। और ये तेलुगु, तेलुगु की भाषा की थी, तेलुगु भाषा की अभिनेत्री थी और इन्हीं का भी निधन हो गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट से। तो इनका नाम है संजीव सहानी। संजीव सहानी किसके सेक्रेटरी जनरल बनाए गए हैं? संजीव सहानी बनाए गए हैं मनु सहानी किसके? आपको पता है ACC के वो हैं, मतलब CEO हैं। और ये संजीव सहानी है। ठीक है, तो संजीव, इनका नाम याद रखिए, SNS मुझे याद है, बीच संजीव नारायण याद रखिए इनका, बस संजीव नारायण। तो SNS याद रखिए। ये किसके अभी सेक्रेटरी जनरल बनाए गए? ये बनाए गए विद्युत मंत्रालय के। किसके? यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बनाए गए हैं सेक्रेटरी जनरल। कौन? संजीव नारायण। ठीक है, बात समझ में आ गई बहुत बढ़िया से। तो ये था आज का करंट अफेयर। आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, QCL को सब्सक्राइब करें और करवाएं भी, अपना बहुत सा ख्याल रखें। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।